सो बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 to 40,000 rupees। सो गाइस 30 से 40 हज़ार में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन इतने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लें कौन सा ना लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आपको इंटेल का सीपीयू वाला लैपटॉप बाय करना है तो एक बात ध्यान रखना कि वो 12th या 13th जनरेशन का हो। 11th जनरेशन का सीपीयू बिल्कुल प्रेफर नहीं करना है, और ऐसी राइजन सीरीज वाले लैपटॉप में है जो कि 5000 सीरीज नीचे वाला कोई भी प्रोसेसर हमें बाय नहीं करना है। तो इस वीडियो में आपको हर तरीके के लैपटॉप बताऊंगा, जो मेटल वाले भी होंगे, प्लास्टिक वाले भी होंगे और बेस्ट बिल्ड लैपटॉप भी होंगे। और इस वीडियो में आपको सारे ब्रांड्स कवर करूंगा जो कि असूस, लिनोवो, एसर एक्सेट्रा। तो कौन सा ब्रांड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप ब्रांड चूज कर सकते हो। और अगर आपको गेमिंग करनी है तो 16 GB से नीचे वाले लैपटॉप बिल्कुल बाय मत करना। और मैं आपको 15 इंच से लेकर 14 इंच तक के लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ। सो विदाउट ड्यू लेट्स चेक बेस्ट लैपटॉप अंडर 2023। पहले लैपटॉप की बात करें वो आता है लेनोवो का V15 लैपटॉप। ये मल्टीटास्किंग के मामले में ये लैपटॉप सबको धूल चटा देता है। इसका जो करंट प्राइस है वो है अराउंड 33,000 rupees। इसका अब करते हैं प्रोसेसर की बात। प्रोसेसर इसमें आता है राइजन 3 5300U प्रोसेसर जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला आता है। सिनाबेंच के 4 आपके सामने हैं। इसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 16 GB। स्टोरेज की बात करें वो इसके अंदर 512 GB की SSD दी गई है। ये 15.6 इंचेस का फुल HD एंटी क्लियर डिस्प्ले के साथ आता है। 250 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं और सारे नेसेसरी पोर्ट इस लैपटॉप में दिए गए हैं। अब आते हैं अगले लैपटॉप पे जो कि है एसर का स्पायर लाइट। ये जो लैपटॉप है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 40,000 rupees और ये इस प्राइस रेंज का सबसे टॉप एंड लैपटॉप है। ये मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, 180 डिग्री का इंच मिल जाता है। अब इसके प्रोसेसर की बात करें इसमें राइजन 5 का 5500U मिल जाता है। अब इसमें बजट में ये जो प्रोसेसर मिल जाता है दूसरों की कंपैरिजन देखते हैं तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर मिलता है, और यही सेम प्रोसेसर आपको ऑनर में भी मिल जाता है जो कि हम आगे दिखाने वाले हैं। 16 GB की रैम वाला लैपटॉप है। देखो यार, हमने अभी तक जितने भी लैपटॉप देखे हैं अभी तक 8 GB रैम वाले देखे हैं, बट इसमें जो रैम आपको मिलती है वो डबल मिल जाती है। इसमें इसके अंदर आपको DDR4 मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 32 GB। अब हम डिस्प्ले की बात करें। डिस्प्ले हमें 15.6 इंच की एंटी ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसका जो बैटरी बैकअप है वो अराउंड 4 आवर्स तक का दे देता है, और यही सब सेम स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप आपको 8 GB में भी मिल जाता है। उसके प्राइस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2000 का है और बाकी सब सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मिल जाता है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये लैपटॉप अनअवेलेबल या प्राइस से ज़्यादा मिलता है तो आप HP का लैपटॉप बाय कर सकते हैं। अब अगला जो लैपटॉप आता है वो आता है ऑनर का, ऑनर मैजिकबुक 14। अब ये जो लैपटॉप है इस वीडियो का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है और ये सेम एप्पल मैकबुक की तरह लुक में आता है। जो इसका मेटल फ्रेम है उससे इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती देखने को मिल जाती है। जो इसका करंट प्राइस है वो है अराउंड 38,000 rupees। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की जो कि दिया है इसमें राइजन 5 5500U, 4 and 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर दिया गया है। इस बजट में ये जो प्रोसेसर आता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर आता है। 8 GB की रैम मिल जाती है जो कि 3200 MHz वाली आती है। इसकी जो रैम है एक्सपेंडेबल नहीं है। इसमें एक वेरियंट आता है जो कि 16 GB वाला वेरियंट भी आता है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टोरेज की बात करें 512 GB की SSD मिल जाती है। 14 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है। फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है 100% sRGB विद 60 Hz के पैनल के साथ। AMD के रेडियन के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस आपको ट्रायल बेसिस पे 30 डेज का मिल जाएगा। ऑल नेसेसरी पोर्ट्स इस लैपटॉप में आपको दिए गए हैं। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाएंगे जो कि बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपकी बैटरी को अराउंड 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देता है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगला जो लैपटॉप आता है वो आता है एसर का, एसर एस्पायर 5। इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है और जो इसका प्राइस है वो है अराउंड 40,000 rupees। दिया गया है वो एल्यूमिनियम का दिया गया है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। उसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है i3 का 1315U। ये सक्सेसर प्रोसेसर है 1215U का। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियस है कि काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है।
अब इसकी रैम और स्टोरेज की बात करें वो इसमें लेटेस्ट जनरेशन की मिल जाती है। रैम की बात करें वो मिलती है 8 GB की LPDDR5 जो कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन की रैम मिल जाती है। जो हमें लास्ट लैपटॉप चेक किए थे उसमें LPDDR4 रैम मिल रही थी, पर इसमें आपको LPDDR5 रैम मिल जाती है जो कि काफ़ी फास्टेस्ट रैम है। अब स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4th generation की NVMe SSD 512 GB की मिल जाती है जो कि आपकी रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसकी रैम और स्टोरेज दोनों ही एक्सपेंडेबल है जो कि लैपटॉप को काफ़ी अच्छा बना देता है। अब इसमें आपको पी सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा आपको यू सीरीज और एच सीरीज के मुकाबले में। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि फुल HD TFT LCD डिस्प्ले है। इंटेल के USG ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि आपको अराउंड 67 आवर्स का लैपटॉप का बैटरी बैकअप दे देते हैं। और इसके अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है। अब इसको मैं रिकमेंड उनके लिए करूँगा जिनको ऑफिस वर्क और प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क करना है, गेमिंग वगैरह के लिए ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब अगले लैपटॉप की बात करें वो आता है असूस का वीवो विक 15। ये एक ऑलराउंडर और सबसे बेस्ट लैपटॉप है। आप इसको ऊपर सब गेमिंग कोडिंग ऑफिस वर्क एडिटिंग ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे ऑटो कैड वो भी इसमें आसानी से हो जाता है। इस लैपटॉप का जो करंट प्राइस है वो है अराउंड 40,000 रुपीज। ये टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। तो अब इस लैपटॉप के स्पेशल फीचर की बात करें वो है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है जो कि कंपनी वाले सर्टिफाइड जो ब्रांड होता है वो सर्टिफाइड करके देता है कि ये बेस्ट क्वालिटी लैपटॉप है जो कि कंपनी काफ़ी टेस्टिंग करने के बाद इसको सर्टिफिकेट देती है। 180 डिग्री का हिंज मिल जाता है इस लैपटॉप में जो कि स्क्रीन को आप जितना मर्जी पीछे करके आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको मिल जाता है प्राइवेसी शटर कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और अब इसके प्रोसेसर की बात करें इसमें आपको मिलता है i3 का प्रोसेसर 12 जनरेशन वाला 1220p 10 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला पी सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है। अब ये प्रोसेसर यू सीरीज से अच्छा होता है और एच सीरीज से थोड़ा कम पावरफुल होता है। अब सिनेबेंच स्कोर्स आपके सामने है। इसमें जो रैम मिलती है वो मिलती है आपको 8 GB DDR4 रैम 3200 MHz वाली जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 24 GB तक। अब स्टोरेज की बात करें स्टोरेज इसमें मिलती है आपको 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 2 TB तक। अगर आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है रैम और स्टोरेज की आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 200 nits की इसकी ब्राइटनेस 60 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है 45% NTSC के साथ। इंटेल के USG ग्राफिक्स मिल जाते हैं इसमें, सारे नेसेसरी पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे और MS ऑफिस लाइफ टाइम मिल जाता है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो है अराउंड 4 to 5 आवर्स। तो ये इस बजट का सबसे बेस्ट लैपटॉप है, आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो यार ये बेस्ट 5 लैपटॉप है जो कि अंडर 30,000 to 40,000 रुपीज में आ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बजट डिसाइड करना है और बजट के बाद रिक्वायरमेंट के बाद आपको मेरी वीडियो में लैपटॉप मिल जाएगा और बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट करके बता देना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथ में।